हेलो दोस्तों, मेरा नाम यश नायक और आज हम आए हैं कृति वैष्णव एल्बम के किस्से सुनाने, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। प्रोजेक्ट बहुत खास था। पहली बार एक एल्बम को डायरेक्ट करना चैलेंजिंग तो था ही, पर मज़ा भी उतना ही आया। भाई ये कहाँ से मिला? भाई ये बहुत मेहनत करके लाए हम लोग। काम क्या इसका? पहाड़ों से तोड़ के लाए। कौन से पहाड़ में गए थे भाई ऐसा? पहाड़ का पहाड़ अभी तो मैच करा था सच से। पहले बताते रहे तू पहाड़ी चौक से लेके आता बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया। राम से तो मैं वो नहीं बना थे पुल। जिम जाने का फायदा वो जिम। शूटिंग के दौरान हमारा कोई भी प्लान सही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि हमने जैसा सोचा था वीडियो वैसा बना ही नहीं। हमने बहुत सारे एलिमेंट डालने के चक्कर में स्टोरी क्लियर ही नहीं कर पाए। जितना आप लोगों ने एक्ट देखा वो हमारा बेस्ट था। बड़ी टीम ना होने के बाद भी प्रोजेक्ट संभालना, और रही बात टीम की तो हमारे सभी मेंबर जॉब करते हैं, तो सभी का एक साथ होना मुश्किल था। फिर भी जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट में थे सबने अपना कीमती वक्त दिया। मैं हमेशा ईडी का काम करता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट करने का मौका मिला और मुझे बहुत मज़ा आया। बस बस, बस। आ जा देख, ये अपने आवाज आ गया अभी। वन प्ले भाग। हेलो दोस्तों, मैं आपका राकेश सिन्हा, आपको आज मैं एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है, मुझे एल्बम का हिस्सा बनना ही था। मुझे लगा मुझे डीओपी का काम मिलेगा, पर ऐसा नहीं था। कैमरा संभालने के साथ साथ डायरेक्शन करना और अच्छे से करने का काम भी मुझे मिला था। यहाँ पे सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए ये था, यहाँ पे दुर्गेश का और ऋषि का, उनका काम भी मुझ पे ही आ गया था। जब भी हमने किसी शूट को स्टार्ट किया उसे पूरा कंप्लीट ही किया हमने। जब हमने यह प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो पहले ही दिन में दो सीन करने में हम लोग को करीबन 4 से 5 घंटे का समय लगा था। हमारी छोटी सिस्टर श्वेता को कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, तो हमने हमारी टीम ने ये फैसला लिया कि कुछ समय का गैप ले लेते हैं, जिससे श्वेता कॉन्सेप्ट समझ ले और इसी बीच सुशील अपना एक्ट पूरा कंप्लीट कर ले। इस तरह 28 दिन के गैप के बाद फिर शूटिंग शुरू हुई और सही तरीके से उसे हमने समाप्त किया। और हमें ये भी पता है कि हमसे कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, पर हम एक पॉइंट की बात बताना चाहते हैं कि हम जैसे जैसे शूट स्टार्ट करते हैं हमारे सोचने के ऊपर वैसी कंडीशन नहीं होती। शूट के बाद एडिटिंग के माध्यम से उसे कवर किया जाता है। मुझे पर्सनली ये लगता है कि आप हमें बताएं कि हम किस टाइप का वीडियो बनाएं, कौन सा सॉन्ग ले, अपने एक्ट को कैसे सुधारें, कुछ नया कैसे करें, आप हमें ये बताएं। हो सकता है कि इसके बाद आपको मौका मिल जाए हमारे साथ काम करने का। जय जोहार, नमस्ते, मेरा नाम सुशील कुमार और आपका डीवीआर प्रोडक्शन में स्वागत है। इस प्रोजेक्ट को लेकर सब एक्साइटेड थे, मैं खुद भी। मेरी प्रिपरेशन पूरी तरह से हो गई थी। हमारी छोटी सिस्टर श्वेता को प्रिपरेशन के लिए समय दिया गया था। तब तक हमने मेरे जितने भी सिंगल शॉट्स थे सबको पूरा कर लिया था। हमारे इस प्रोजेक्टर के डायरेक्टर यश और राकेश, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और मेरे इन दोनों डायरेक्टरों ने जो काम किया है उसे लोग खुश हो या ना हो, मैं ज़रूर खुश था, क्योंकि हमारे इस एल्बम में थोड़ा अलग क्रिएटिव थिंग देखने को मिला। राकेश कैमरे के साथ एक्ट भी करता था और यश पूरा कॉन्सेप्ट करके दिखाता था। हमने इस प्रोजेक्ट को इतने टुकड़ों में बांटा कि हमें इसे शूट करने में 1.5 महीने का समय लग गया। शुरुआत के 10% जो बिगिनिंग और एंट्री वाला सीन था, सिर्फ उसी में हमारे सारे टीम मेंबर्स एक साथ पहली बार नजर आए। बचे हुए 90% का शूट यश और राकेश ने ही किया।
इस प्रोजेक्ट की शूटिंग अराउंड रायपुर से 40 किलोमीटर के अंदर पे ही हुआ है, जितने भी शूट हुए हैं, और हमने अलग अलग लोकेशन को दिखाने की कोशिश की है और काफ़ी सारे लोगों को लोकेशन बहुत पसंद भी आए हैं। लोकेशन की बात करें तो हमारे आसपास के लोकेशन को बहुत ही अलग तरीके से यूज़ किया गया, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ पर डे 2 घंटे की शूट ही करने मिलते थे, इसलिए हम ज़्यादा दूर शूट के लिए नहीं जा सकते थे। मैं हमारी टीम के सभी मेंबरों को बहुत सारा शुक्रिया करना चाहूँगा और बहुत सारा धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे इस प्रोजेक्ट में छोटा सा भी कंट्रीब्यूट करने की बहुत सारी कोशिश की आपने और अपना कीमती वक्त दिया। समझा दिया ना? तो तेरे को समझाया तो वही उनको समझा देना। तू क्या बोला BTS में मेरे को भी समझाते हुए लेना है। जैसा कि हमने कहा था कि इस वीडियो के बाद हम एक शॉर्ट मूवी के अनाउंसमेंट करने वाले हैं और आप मेरे यहाँ से जाते ही आप इस स्क्रीन पे देखेंगे कि हमारी आने वाली फिल्म कौन सी है और इसमें लीड कास्ट कौन करेंगे। तो देखिए, उसने कहा था तुम सब कुछ तुम्हारा साथ तुम्हारा कभी नहीं छोडूंगी। आज मैं बिखरा पड़ा हूँ, तेरी परछाई तक साथ नहीं है।